वो क्या सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे भाई शेविंग को कैसे किया था, क्योंकि कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई जब भी हम शेविंग करते हैं तो धार मर जाती है ब्लेड की, ठीक है भाई, उल्टी दाढ़ी होती है उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। भाई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट। गाइस सबसे पहले हमने क्या करना, क्रीम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको शेविंग, यानी कि नरम करने वाली बहुत क्रीम आती है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, उस्तरों को पकड़ना हमने कैसे, ठीक है। शेविंग करने से हमने पकड़ना सीखना भी, उस्तरों को हम पकड़ते कैसे हैं, ठीक है, तभी बंदा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, क्योंकि भाई इसने पूरा टैड चलाता था, पर लेकिन यही गलती इसकी, ये टैड चलाता है, ठीक है, जिनकी कस्टमर को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना कि भाई हम टैड चला रहे हैं, ठीक है। जिनकी यार कस्टमर को पता नहीं लगने दो कि हाँ भी हम लोग टैड चला रहे हैं, कहीं नया बंदा या पुराना बंदा है, ठीक है, कस्टमर को पता नहीं लगने देना। पहली बात तो हमने इस वाले, मैं इस वाले को ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला पीछे लॉक कर लूंगा, यानी कि ये वाली लॉक होती भाई, ठीक है। अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी शेविंग वाली भाई, उसको जरूर देखना, ठीक है, ठीक है। हमने ऐसे लॉक करना, उसके बाद क्या करना, हमने ऐसे लिटा के चलाना, यानी कि ठीक है यहाँ से ऐसे करेंगे, मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है, ब्लेड हमारा क्यों धार मर जाती है, उसकी जल्दी क्यों मर जाती है, ठीक है भाई। सबसे पहले करना हमने ये वाला होगा पार्ट, ठीक है, हमने सीधा नहीं चलाना, ठीक है, ब्लेड को हमेशा लटा के चलाना, ठीक है, अगर लटा के चलाओगे तो आपका फायदा है, ठीक है, फिर उसकी धार नहीं मरेगी जल्दी, देखो जितना आप मांस को खींचोगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। देखो मैं खींच रहा हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया, इसके बाद मूंछों को हमने ऐसे खींच देंगे, ये वाला पार्ट को पता क्या करना, हमने इस वाले पार्ट को हम ऐसे काटेंगे, यानी कि सीधा काट देंगे ना, फिर हमारा रास्ता बन जाएगा, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताई है हमने कैसे करना, ठीक है भाई। इस वाले पार्ट को हमने ऐसे खींच लेंगे, इसको हम ऐसे खींच के, यानी कि इस वाले को क्लियर कर लेंगे, यानी कि ठीक है, तो मैंने क्लियर कर लिया। एक बात और ये भी दिखा दे, जैसे कि ना मैं देखो यहाँ पर क्रीम लगाता ना, जब हम जोर से ऐसे करते ना तो हमारी धार मर जाती है, ये वाली होती है कोली होती है हमारी, ठीक है, शेविंग वाली फॉर्म सी होती है, यानी कि ठीक है जब हम ऐसे जोर से करते हैं हमारी धार मर जाती है। एक तो जी वाला होगा, ठीक है, चला इसको जोर से नहीं चलाना, ठीक है। अब देखो इसकी धार मर चुकी है, यानी कि मैं आपको बताया ना इसकी धार मर चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है, ठीक है। अब हम चेंज करेंगे भाई। कई बंदे का सवाल होता है कि भाई उल्टी बियर्ड को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसमें बताऊंगा। सबसे पहले बंदे को बोलना भाई ऊपर करो, ठीक है भाई, ऊपर कर लेगा। जो हमने रास्ता बनाया था, हमारा रास्ता तो क्लियर हो चुका है, यानी कि हम ऐसे नीचे खींचेंगे इसको, ठीक है। मेन में बातें हैं, ठीक है, यानी कि यार कोई समझाता नहीं है इसके टाइम पर, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको अच्छी तरह, यानी कि आपको देखना चाहिए, ठीक है भाई। जो बियर्ड ना हमारी उल्टी होती है, हमने क्या करना भाई, इसको उल्टा ही ब्लेड लगाना है। अगर आप सीधा लगाओगे तो वहाँ पर दाढ़ी हो जाएगी खराब, यानी कि आपकी दाढ़ी पे ब्लड निकलने लग जाएगा, अगर आप सीधा मारोगे, ठीक है, उसे नहीं मारना आपने। अगर आपकी बियर्ड उल्टी है, यानी कि ऊपर को जा रही है, ठीक है, आपने क्या करना है भाई, ऐसे चार फिंगर लगा कर नीचे, ठीक है, अंगूठा लगा देना, यानी कि आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने ये करना है, देखो बंदे को बोलना हमेशा भाई ऊपर करो, भाई को ऊपर करवाना है, ठीक है। जो दाढ़ी उल्टी होगी वहाँ पर ही उस तरह चलाना, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर नीचे आती होगी वहाँ पर स्टॉप कर देना, ठीक है। देखो इनकी दाढ़ी उल्टी है, दिखा दो, देखो इनकी दाढ़ी उल्टी है, ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पर ऊपर से नीचे होगी, ठीक है, वहाँ पर हम रोक देंगे। अगर मैं जो नीचे वाली होगी ना ऐसे, अगर मैं ऊपर खींच दूंगा तो वहाँ पर दाढ़ी फट जाएगी, यहाँ पर ब्लड निकलने लग जाएगा, ठीक है, वो चीज़ नहीं हमने करनी। अगर आपसे फिर भी ये वाली चीज़ नीचे से नहीं खींची जाती, एक बात एक काम कर लेना, ठीक है, इसको ऊपर करके ना इसको फिर काट लो, ये आपकी क्लियर हो जाएगी, ऐसे मास्क ऊपर खींच लेना, ठीक है, ये हमारी क्लियर होगी, हमारा रास्ता बन चुका है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना, हमारी देखो अगर ऐसे करेंगे मास्क ऊपर आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमने इसको ऐसे नीचे खींच देना है, ठीक है, देखो। उसके बाद जी वाले पार्ट को हम ऐसे खींचेंगे, तो जी वाला हिस्सा होगा, ठीक है, उसको हम ऐसे क्लियर कर देंगे, ठीक है, उसको तो फिर करेंगे। अब तो जी वाला हमारा हो गया, अब आगे भाई इस वाली साइड पे हम आ गए, ठीक है। इस वाली साइड पे हमने क्या करना है भाई, सीधा खींच लो, उस तरह को हमेशा ही आपने टेपर में रखना है, टेपर में, यानी कि अगर इसके ना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे साफ किया, ठीक है, जितना हमारे को खत की ज़रूरत होगी हम उतना ही करेंगे, ठीक है,
देखो ये वाला हो गया, इस वाले को भी हम ऐसे खींचेंगे, ठीक। ये वाला पार्ट होगा भाई, उसको क्या करना, हमने ऐसे पकड़ना, चार फिंगर यानी कि ये पीछे होना चाहिए, यानी कि ये वाला हमने खींचना है अंगूठा। देखो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया, आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है। देखो हमने सीधा नहीं चलाना भाई, सीधा नहीं चलाना, बिल्कुल भी सीधा नहीं चलाना, अगर सीधा चलाओगे तो वहाँ पर कट लगना ही लगना है भाई, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करो। देखो मैंने ऐसे पकड़ा, ठीक है, देखो मैंने क्या कहाँ से लॉक किया क्या नहीं किया, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो मैंने लिटा के चलाना है, ऊपर से अंगूठा भी देखना मेरा, पहली बार जब भी मैं काम करता हूँ, पर लेकिन ना मेरे हाथों के तरफ भी देखना तो, और वहाँ भी देखना हम बंदा कैसे कर रहा है, ठीक है। देखो अंगूठा भी देखो मेरा, ठीक है, हाँ देखो आराम आराम से करना यार, इनकी बियर्ड थोड़ी सी टाइट है, अगर टाइट होती है भाई कोई क्रीम बहुत क्रीमें आती है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है, इसको हमने ऐसे खींचना है, जितना भाई खींचोगे ना उतना ही आपका फायदा है, फिर कस्टमर को पता नहीं लगेगा। पहली बात, एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल सॉफ्ट चलाना, यानी कस्टमर को पता नहीं लगना चाहिए कि भाई बंदा नया सीख रहा है या पुराना सीख रहा है, किसी को यार महसूस ही ना होने दो, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसे करोगे कि हाँ भाई मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है, आप डर डर के काम करोगे तो भाई आपसे कोई भी नहीं करवाने वाला, ठीक है। बंदे को ये महसूस करवाओ कि हाँ भाई मैं सीखा हूँ, उसके सामने मैं आपसे बी एड नहीं सेट करवाएगा ना बनवाएगा, ठीक है। उसके बाद करना, हमने ये वाला आ गया, ठीक है, हम तो ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि इनकी दाढ़ी उस साइड में गई हुई है, यानी कि उस साइड में गई हुई है भाई। हमने ये करना, इस वाले पार्ट को हम ऐसे क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ऊपर इसको उठाएंगे, हमने इसको नीचे खींच लेना है, ठीक है। हाँ देखो हमने नीचे खींच लिया, मुच्छों पे हल्का हल्का यानी कि ऐसे हम खींच देंगे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। देखो इनकी, जैसे मैंने इस साइड में बताया कि इनकी बियर्ड ना उल्टी है, देखो आप देख सकते हो, जिनकी हमारी इनकी बियर्ड है ना जो उल्टी है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यार, जो बंदे हैं ना नए नए सीख रहे होते हैं, नीचे सीधा घी देते हैं, वहाँ पर दाढ़ी फट जाती है, जिनकी फटने का मतलब यही होता है कि दाढ़ी हमारी फट जाती है और ब्लड निकलने लग जाता है, ठीक है। हमने इसको क्लियर करना है, ठीक है, देखो भाई बंदे को बोल दो उल्टा करो, ठीक है, आपने ऐसे रहना, ठीक है, ऐसे रखना, उस तरह को ऐसे पकड़ना है आपने, ये वाला पार्ट होगा, हमने ऊपर खींचना है, ठीक है। अरे उसको बाद करना, ये वाला होगा, हाथ लगाना हाथ से, देखो ये वाला, ठीक है, हमने ऐसे करना, ऊपर को हमने खींच देना, ठीक है। अरे आप आगे भाई ये वाला, ठीक है, हम इसको क्लियर करेंगे पहले, उसको हमने कैसे करना है। कई बंदे के सवाल होते हैं कि भाई यहाँ से हमारे से निकलती नहीं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, वीडियो में बने रहना भाई, आपको मैं बताऊंगा, अकेला अकेला पॉइंट में बताऊंगा हम इसको कैसे कर सकते हैं। भाई जे वाला पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट यही होता है, कभी 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 क्या करते हैं हम लोग, जब ऊपर उसको उठाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लग जाती है, बोर्ड पर लग जाती है, कभी कभी यहाँ पर भी लग जाती है, जो नए नए बंदे सीख रहे हैं उनको ये चीज़ नोट में रखनी चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। हमने ये करना है इसको भाई, ऐसे करेंगे, दोनों साइड में ऐसे खींचना है, दोनों साइड में खींचना आपने, ठीक है। और इसको करना हमने ऐसे नीचे खींच लेना, ठीक है, जे वाले चीज़ को हमने ऐसे चारों फिंगर को वहाँ पर लगाना है, ठीक है, जो नीचे होगा हमारा वहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको अप डाउन करना है हमने, ठीक है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से, यानी कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना, यानी कि, ठीक है, यानी कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो हमने ये करना, ऊपर वाले होंठ को बचाना है, बड़े आराम से करना है, ठीक है। अगर जे वाले साइडों पे बाल होंगे भाई, उसको क्या करना, नोक से, यानी कि नोक भी बहुत ध्यान से चलानी है आपने, ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं भाई यही होते हैं, ठीक है। आपने ये करना ऐसे, साइड वाला होगा भाई, आप उसको ऐसे खींच देना, ठीक है, हमारा रास्ता बन चुका है,
इसको हम ऐसे खींचेंगे, आपने ऐसे कर देनी है, ठीक है, जो उल्टी पीट होगी, ठीक है। उसके बाद एक करना, बाहर को बैठना, भाई ऊपर करो, ठीक है, भाई ऊपर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद करना जो जी वाला मेन पॉइंट होता है, क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है जो ना बंदे ऐसे हड्डी वगैरह निकली होती है ना, उनकी थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो नए नए बंदे सीख रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो सोच रहे हैं भाई हम लोग करें कैसे, वो डरते वगैरह ना बीएड अपने उस्ताद को पकड़ाते। हम लोग करना जीवन पार्ट को हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, डरना नहीं, अगर डर के काम करोगे फिर तो वो होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि उल्टी यार बियर्ड बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें प्रॉब्लम होती है हमारे को, क्योंकि उल्टी बियर्ड थोड़ी सी दिक्कत भी करती है हमारे को, ठीक है। देखो हमने ऐसे की इतना नीचे, ठीक है भाई, जहाँ जहाँ उल्टी थी ना हमने वहाँ पर नीचे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर सीधे हम सीधा लगाएंगे, ठीक है, यानी कि वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। देखो ठीक है, फिर आपका बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा यार, ठीक है। देखो मेरी शेविंग हो चुकी है, यानी कि राइट हमारी ये चीज़ है ना जो मेन पॉइंट होते हैं। अगली वीडियो में फिर बताऊंगा यानी कि पूरी फुल बीएड उल्टी कैसे बनाते हैं। वैसे हमारी दाढ़ी तो बन चुकी है, ठीक है, आपने यार बीएड अगर उल्टी होगी ना आपने ऐसे ही बनानी है, क्योंकि यार फिर दाढ़ी फटती नहीं है, क्योंकि फिर ब्लड नहीं निकलता, ठीक है। अब हम करेंगे मूछे साइड यानी कि अच्छी तरह यानी कि पानी लगा लेना, ठीक है, दोनों खत्तों पर लगा लेना, ठीक है, दोनों आपने ज़्यादा से ज़्यादा ना मुछों के ऊपर पानी लगाना, अगर ज़्यादा टाइट होगी मुछे तो, ठीक है, यानी कि फिर आसान हो जाएगा जब हम ब्लेड लगाएंगे, ना कस्टमर को दिक्कत होगी ना हमारे को होगी, ठीक है। इस बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर वीडियो यार बढ़िया लगती है प्लीज़ लाइक जरूर करना, ठीक है, कमेंट भी अच्छे से करके बता देना मुझे वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले करना हमने मूछों पे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से लगाना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर कट लग जाता है, आपको भी पता होगा लगता जरूर है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आपने ये करना है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा हल्का लिटा के चलाना है, ठीक है, यानी कि कस्टमर के लगे ना, ठीक है। हमारे मुझे साइड करने यानी कि दोनों साइड में हमने बरूबर रखनी है, ठीक है, यानी कि हल्का हल्का लगाएंगे, हल्का लगाएंगे हम मुछों को रखना, हमने हल्का सा भारी रखनी है, ठीक है। देखो अगर मुछ काटनी होगी तो भाई यहाँ से ऐसे काटना, ठीक है, अगर आप ऐसे काटोगे ना ऐसे करके ऐसे काटोगे तो भाई वहाँ पर बंदे को दिक्कत होगी, ठीक है भाई। आप आगे इस वाला पार्ट ऐसे हल्का हल्का लगाना, कभी कभी क्या होता है बंदे ऐसे करते तो ऐसे खींच लेते हैं भाई, यहाँ पर मांस पूरा उखड़ जाएगा। देखो हमने ऐसे दोनों साइड में हमने ऐसे ब्रोकर रखने हैं, ठीक है। अब करेंगे भाई खत को सेट, उसके बाद हम करेंगे मुच्छों को छोटा करेंगे, बाद में करेंगे भाई। खत हमने हल्का हल्का यानी कि पतला रखना है, ठीक है, ऐसे रखनी है, ठीक है। अब करते हैं भाई हम मुछे सेट, ठीक है। अब भाई हम मुछों को करेंगे छोटा, यानी कि अगर जैसे भी आपका कस्टमर कहता कभी इतने नंबर रखना है, जब छोटी करनी है बड़ी करनी है ना, आप उतने नंबर रख देना, यानी कि मैं लगाऊंगा एक नंबर, एक नंबर पे मैं करूंगा इसको छोटा, ठीक है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ना मशीन लगाओगे ना तो वहाँ पर नहीं लगना चाहिए, अगर वहाँ पर लगती है, अगर ये वाला पार्ट आप करते हो, ठीक है ना, नाक को ऐसे कर लो, इसको ऐसे मशीन को लगा दो, ठीक है। अगर इस वाला क्यों करना, ठीक है, आपने इस वाला नाक को हमने ऐसे कर लेना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नहीं लगेगी। अगर यहाँ पर करना तो नाक ऊपर उठा के थोड़ा सा ऐसे लगा देना, ठीक है। अब आगे मेरे पास सीजर, ठीक है, जो आगे आगे बाल दिख रहे हैं हमारे को ना, हमने उसको उठाना भाई, मुँह उतना ही खोलना जितना हमारे को ज़रूरत होगी। आपने करना, ठीक है, ऐसे सपोर्ट ले लेना नीचे, ठीक है, हल्के हल्के यानी कि मुँह देखो मैं कितना कैंचे खोले, इतना थोड़ा सा खोला हुआ यानी कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है वहाँ पर होठ पे भी लग जाती है, ऊपर भी लग जाती है, जो बंदा ऐसे करता है ना ऐसे ऐसे पूरी पूरी मुँह कर लेता है, ठीक है, यानी कि पूरी कैंची का मुँह खो लेता है पर, लेकिन वो सरासर गलत है, ठीक है, आपने उसे नहीं करना। देखो हल्के हल्के यानी कि हमने आगे वाले उठाने भाई, हमारे को तो छोटा सा मुँह खोलना पड़ेगा ना कैंची का। देखो ऐसे पर सपोर्ट देना, ठीक है, जो आगे होंगे बाल भाई उसको हमने ऐसे उठा देना, ठीक है। देखो साइड में होगा भाई, साइड में ऐसे करके तो ऐसे उठा देंगे, हमारी मुछ सेट हो चुकी है, ठीक है। अब आए गाइस हमारा जी वाला खत, यानी कि दोनों ही बरोबर रखने आपने, ठीक है, हमने इसको ऐसे लगाएंगे,
ठीक है। देखो आपने ऐसे लगा देना है, ठीक है, यानी कि दोनों ग्रुप रखनी है, हल्का हल्का पीछे लगा देंगे, जितनी भी होगी यहाँ पर जितनी बंदा रखवाता है या ऊपर रखवाता है या नीचे करवाता है उसके एडजस्टमेंट में ऐसे आपने छोटी कर देनी, ठीक है, यानी कि मेरी दोनों साइड में ग्रोवर हैं, आप भी ऐसे रख लें। शेविंग हो चुकी है गाइस, आपने भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बना दो, ठीक है, मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर भाई वीडियो बढ़िया लगती है प्लीज़ लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। साहिल लुधियाना बजे कोई भी भाई मेरे से बात करना चाहता है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हूँ, वहाँ पर जाओ, ठीक है, मुझे फॉलो करो, फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, आपकी मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। जब तक इतनी अगली वीडियो फिर मिलते हैं।